चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, धरने पर बैठे हैं किसान और डोईवाला शुगर मिल के गेट के बाहर धरना किसानों की तरफ से दिया जा रहा है। गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग इन किसानों की तरफ से की जा रही है और ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया है। तो डोईवाला शुगर मिल के गेट के बाहर किसानों की तरफ से ये धरना दिया जा रहा है और पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पंकज, क्या अपडेट है खबर पर? देखिए, अभी जो किसान धरना दे रहे थे शुगर मिल के गेट पर, उनको जो प्रशासन है लोकल, उन्होंने वहां से उठा लिया है और उनको अभी उठाकर वहां से ले गए हैं। उनका ये कहना है कि अभी सरकार की ओर से, क्योंकि जो गन्ने का मूल्य है वो निर्धारित नहीं किया गया है, प्रदेश भर में जो पेराई सत्र है गन्ने का वो शुरू हो गया है। 17 नवम्बर से प्रदेश के सभी मिलों में पेराई सत्र शुरू हो गया था, लेकिन गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित न किए जाने को लेकर किसान थोड़े आंदोलनित थे और डोईवाला शुगर मिल के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल पुलिस प्रशासन के मानने पर, समझाने पर वो लोग मान गए हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि सरकार ने जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया तो यह आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी की गई है और जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी वो प्रशासन द्वारा की जाएगी। फिलहाल जो किसान हैं वो अभी वहां से उठ गए हैं कुछ, और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं किसान, उनको पुलिस प्रशासन छोड़ दे और सरकार गन्ने का निर्धारित मूल्य घोषित करे। ठीक है, चलिए धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए आपका। तो डोईवाला शुगर मिल के गेट के बाहर किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा था और कई किसानों को हिरासत में लेने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, विजिलेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 2015 में भर्ती हुए दारोगाओं के मामले में जांच होगी, विजिलेंस की खुफिया तरीके से पूछताछ जारी है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में तैनात दारोगाओं के बारे में विजिलेंस रिकॉर्ड खंगाल रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, खुफिया तरीके से जो विजिलेंस की पूछताछ है वो फिलहाल जारी है। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में तैनात दारोगा हैं जिनके बारे में विजिलेंस ने रिकॉर्ड खंगाला है और गुपचुप तरीके से ये पूछताछ फिलहाल जारी है। 2015 में भर्ती हुए दारोगाओं के मामले में ये जांच होगी और इसमें अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरी पूछताछ की जा रही है और हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। और विनोद कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर, कहां कहां पर जो ये पूछताछ है ये की जा रही है? बिल्कुल आईओसी, देखिए विजिलेंस डिपार्टमेंट पे के पास में अब बड़ा इनपुट है कि 2015 में जो 239 दरोगा भर्ती हुए थे, हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही इस पूरे मामले में जांच कराने के ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन पूरे मामले में विजिलेंस जांच कर रही है। विजिलेंस के पास में अब बड़ा इनपुट ये है कि नकल कराने वाले तमाम ऐसे इनपुट विजिलेंस के हाथ लगे हैं जिसके चलते 339 दरोगा भर्ती हुए थे, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर तमाम जनपदों में ये दरोगा भर्ती है, लेकिन हरिद्वार और देहरादून के कुछ दरोगाओं के बारे में इनपुट अब विजिलेंस के पास में है। जल्द ही एक बड़ा खुलासा विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाएगा, यानी ये कहा जाए कि आने वाले दिनों में विजिलेंस जल्द ही अपना शिकंजा कुछ दरोगाओं पर कर सकती है जो फर्जी तरीके से या नकल करके वो भर्ती हुए थे, उस तरीके के इनपुट अब विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास है। तो आने वाले 2 से 4 दिनों के बीच में विजिलेंस डिपार्टमेंट बड़ा खुलासा करने जा रहा है। और अगर बात करें तो हरिद्वार के करीब 20 दरोगा ऐसे हैं जिनके पास से ऐसे इनपुट मिले हैं जिनके जो आसपास के लोग थे जो भर्ती कराने में उनका हाथ रहा है, नकल कराने में उनका सहयोग रहा है, उनसे भी विजिलेंस डिपार्टमेंट अंदर खाने पूछताछ कर रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग धामपुर से भी विजिलेंस में रडार पर लिए हुए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अगर UK SSSC की बात करें तो UK SSSC में मास्टरमाइंड केंद्रपाल सिंह का भी नाता धामपुर से है, वो धामपुर के रहने वाले हैं। तो पूरा घटनाक्रम अगर मिला के बात करें तो जल्द ही बड़ा खुलासा विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगा। जो 339 दरोगा जो 2015 में भर्ती हुए थे उनमें से कुछ दरोगाओं की मुश्किलें बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि काफी दिनों से ये चाहे UK SSSC हो या फिर तमाम भर्तियां जिस तरह से निरस्त की गई थी, उस दौरान 2015 का भी राज्य सरकार की तरफ से ये ऑर्डर किया गया था कि आखिरकार 2015 की भर्ती की भी जाँच हो, उसी के आधार पर विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास में अब महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बहुत ही कैसे इनपुट है। लेकिन साफतौर पर ये भी बात है आईओसी की, जिस तरह से 2015 में ये तमाम दरोगा भर्ती हुए, करीब 7 साल हो गए हैं, 7 साल में जो ओएमआर सीट होती है जिसमें तमाम दस्तावेज और पूरे तमाम जो जानकारी होती है वो प्रश्न पत्र उसमें होता है कि आखिरकार किसने कितने नंबर सही है, कितने किसके गलत अंक थे, वो तमाम वो पूरी तरह से जला दी गई है। एक बड़ा ये संदेश है कि आखिरकार उस सीट से जरूर। बिल्कुल विनोद, अब इंतजार है खुलासे का, कैसे खुलासा करती है विजिलेंस की टीम और किस किस पर कार्रवाई होती है आने वाले समय में, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देहरादून में इनकम टैक्स की छापेमारी, 11 जगह पर छापेमारी चल रही है। प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स और नर्स भाटिया, नवीन मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर और घर पर रेड मारी जा रही है। आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। 11 जगह ऐसी है जहां पर छापेमारी जारी है। कई बड़े नाम इसमें शामिल है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नवीन मित्तल, नितिन गुप्ता का नाम शामिल है, जिनके ठिकानों और घर पर ये रेड की जा रही है। एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। 11 जगह ऐसी है जहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, छापेमारी की जा रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इनपुट मिले थे, जिसके बाद कई बड़े प्रॉपर्टी डीलर पर ये शिकंजा कसा गया है। दिल्ली, ऋषिकेश, सहारनपुर और इसके अलावा देहरादून में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी चल रही है। और अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर इस वक्त मौजूद हैं। देहरादून के नेसविला रोड पर मैं मौजूद हूँ। जानकारी है कि यहाँ पर भी तमाम जगहों पर छापेमारी यहाँ पर आयकर विभाग की चल रही है। और देहरादून में बात की जाए तो जिस घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देहरादून में आयकर विभाग के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं और डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके नेतृत्व में देहरादून में तकरीबन 11 जगहों पर ये इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। जिस तरीके से देहरादून, ऋषिकेश, सहारनपुर, दिल्ली तमाम ठिकानों पर एक साथ ही छापेमारी हुई है, इससे माना जा रहा है कि टैक्स में जो चोरी की एक बड़ा इनपुट जो है इनकम टैक्स के पास था। और यही वजह है कि इन तमाम लोगों के घरों पर इस वक्त जो है छापेमारी लगातार जारी है। देहरादून में भी 11 ठिकानों पर इस तरीके से इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। हालांकि विभागीय के जो बड़े अधिकारी हैं, छापे की बाबत कोई खास जानकारी उनकी ओर से नहीं दी गई है, क्योंकि इनकम टैक्स इस तरीके की जानकारी भी पूरी तरीके से साझा नहीं करता है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें ये माना जा रहा है कि जिन घरों पर ये छापेमारी चल रही है उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं, बड़े इन्वेस्टर्स जो है इसमें शामिल हैं, और जो ज़मीन के बड़े कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। और देहरादून में भी तमाम जो उनके ठिकाने हैं, चाहे उनके घर हों या फिर उनकी अलग प्रॉपर्टी हो, उन तमाम जगहों पर इस तरीके की छापेमारी यहाँ पर चल रही है। अभी तक की जो सूचना है इनकम टैक्स के पास, टैक्स चोरी को लेकर ये सूचना है, और यही वजह है कि एक साथ तमाम जगहों पर इस तरीके की छापेमारी की गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन फिलहाल देहरादून में 11 जगहों पर, इसके अलावा ऋषिकेश, सहारनपुर और दिल्ली तक इस तरीके की इनकम टैक्स की रेड लगातार सुबह से ही जारी है। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंथरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो 11 जगह ऐसी है जहां पर इनकम टैक्स की ये छापेमार कार्रवाई फिलहाल चल रही है। जैसे कि रिपोर्ट में आपने देखा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, ये ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी जारी है। और कई जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके नाम इसमें शामिल है। देहरादून में अभी कार्रवाई चल रही है, काफी लंबा समय हो गया है। और 11 जगह ऐसी है प्रदेश की जहां पर ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। नवीन मित्तल, नितिन गुप्ता भी उनमें नाम में शामिल है, जिनके घर और ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। कई इनपुट मिले थे और उसके बाद इनकम टैक्स की ये कार्रवाई शुरू हुई, जो कि अभी भी रही है। और चलिए, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले पर, विनोद कुमार इस वक्त सीधा लाइव देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनोद, सबसे पहले जरा जानकारी दीजिए कि क्या इनपुट मिले थे इनकम टैक्स की टीम को, जिसके आधार पर यह कार्रवाई चल रही है, और कितना समय हो गया है कार्रवाई को चलते हुए, कब ये खत्म होगी अपडेट? आईओसी, देखिए, सुबह करीब 9 बजे से देहरादून और तमाम जो उत्तराखंड के आसपास के जो शहर हैं उनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की जा रही है। और अगर बात करें तो लगभग टैक्स में चोरी की बात हो या फिर तमाम जो बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं उसके दस्तावेज तमाम उद्योगपति के घर और कार्यालयों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये अधिकारी छानबीन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण इनपुट अभी जो अधिकारियों के माध्यम से बताया जाना था, लेकिन उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन पूरे तमाम जितने भी शहर हैं उत्तराखंड के, तमाम 11 जो क्षेत्र हैं, शहर हैं, वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की जा रही है। और पूरे मामले को देखो तो जो शहर के तमाम बड़े उद्योगपति हैं उनके कई ऐसे ठिकाने हैं, उनके ऐसे कई दफ्तर हैं जहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की निगरानी में ये छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून से सटे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी करीब 13 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर छापेमारी की जा रही है। और अगर टैक्स में चोरी हो या फिर बड़े कंस्ट्रक्शंस में जो दस्तावेज के बारे में जानकारी लेनी हो तो तमाम महत्वपूर्ण को ये दस्तावेज खंगाल रही है। और पूरे 9 बजे के करीब से लेकर अभी छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करना बिल्कुल जायज नहीं समझा है। और साफ तौर पर अभी बाद में, यानी करीब अभी 4 बजे तक ये जानकारी मिलेगी, 4 बजे तक ये पूरी छापेमारी उत्तराखंड के तमाम अलग अलग इलाकों में
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चलेगी, उसके बाद में ही आखिरकार किस तरीके का इनपुट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास था, क्या क्या उन महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्होंने अपने हाथों में लिए हैं, तो इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन छापेमारी पूरे 11 अलग अलग शहरों में जारी है और उसके बाद में ही जानकारी मिल पाएगी आयुषी की आखिरकार कौन कौन से ऐसे। चलिए बिल्कुल इंतजार है विनोद, कब ये कार्रवाई खत्म होगी, उसके बाद जो ज्यादा जानकारी है वो आईटी के अधिकारियों की तरफ से साझा की जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, केदार भंडारी की गुमशुदगी मामले में केदार भंडारी के माता पिता गांधी पार्क में धरने पर बैठे हैं और बताया जा रहा है कि उत्तरकाशी की केदार भंडारी काफी समय से लापता है। पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि वो कस्टडी से भागकर नदी में कूद गया था। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी धरना स्थल पर पहुंचे और केदार भंडारी के परिजनों को समर्थन दिया। इधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने श्रीनगर में सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र कमल पूजा की। इस मौके पर शंकराचार्य ने कहा कि दशनामी समाज को अंकित करने के लिए जो समिति बनाई जा रही है उसके विश्व प्रमुख की जिम्मेदारी कमलेश्वर मंदिर के महंत को दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड में बेटियों के साथ हो रही घटनाओं पर भी उन्होंने दुख जताया। कन्याओं का सुवासिनियों का पूजन होता रहा, हम उनको नाम के साथ देवी लगा करके संबोधित करते रहे। ये हमको विचार करना होगा कि जिस संस्कृति में हमारी माता हमारी बहन को हम देवी कह के ही उसका नाम उच्चारण करते थे, चाहे आगे चाहे पीछे देवी शब्द लगाते थे, उस देश में ये क्या हो रहा है? पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण इसका कारण है, शराब का नशा इसका कारण है और विधर्मियों का प्रभाव इसका कारण है, तो इन सब चीजों को हमको समझना होगा। हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव खत्म होते ही अब छात्रों में रंजिश शुरू हो गई है। छात्रों के बीच रंजिश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व महासचिव रामप्रकाश किसी अन्य छात्र के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित छात्र ने इस मामले में रामप्रकाश के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है और पुलिस ने छात्र की शिकायत पर रामप्रकाश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। छात्र की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। एक छात्र की पिटाई का ये वीडियो सामने आया था। मोहल्ले के लोग थे, उन लोगों ने मार पिटाई की, तो इसने दीपक रावत ने हमें तहरीर दी थी कि 15-20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। कुछ नामजद थे, तो जो नामजद थे उनमें से दो को, एक विवेक रावत को और एक उसको हमने अरेस्ट कर लिया था, विवेक मोहल्ले को। बाकी जो लोग हैं, जो CCTV फुटेज है वो हमने आज कलेक्ट कर ली है और उसमें हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन इसमें डायरेक्टली शामिल है। तो पूरे देश में दिवाली महीने भर पहले मनाई जा चुकी है लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अब भी दिवाली जैसा माहौल है। पहाड़ पर तीन अलग अलग जगह से आपको मंगशीर दिवाली की तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश भर में दिवाली जैसा माहौल, टिहरी बड़कोट विकास नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंगशीर दिवाली का मौका है और इस मौके पर तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे पहाड़ के लोग दिवाली मना रहे हैं। टिहरी बड़कोट और विकास नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। पारंपरिक तरीके से अपने त्यौहार को मनाते हुए जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से दिवाली जैसा माहौल नजर आया है। पहाड़ पर अलग अलग जगह से मंगशीर दिवाली और देवलांग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये पहाड़ वाली दिवाली है। लोगों में उत्साह और उमंग का माहौल। पूरे देश में दिवाली महीने भर पहले मनाई जा चुकी है मगर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तो अब भी दिवाली मनाई जा रही है। इसे मंगशीर की दिवाली कहा जाता है। टिहरी में मंगशीर की दिवाली को लेकर लोगों ने भैलो खेला। इसकी मान्यता राजशाही के समय से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि राजशाही के समय नेपाली गोरखा ने आक्रमण किया था, उन पर विजय पाने के लिए एक महीने बाद लोगों ने दिवाली मनाई थी। जो हमारा देवता है ना, इष्ट देवता है,
उसने नेपाल में लड़ाई लड़ी थी और जो हमारा मतलब जो हमारी वो राज बगवाल होती है और हुसैन जो है देवता ने जो है वहाँ पे लड़ाई जीती थी और देवता ने जो है उसी दीपावली को जो है फिर जो है एक महीने बाद जो है राज दिवाली के नाम से मनाते हैं। उधर यमुना घाटी में भी मंगसीर की दिवाली की रौनक दिखाई दी। इसे देवलांग पर्व के रूप में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग राजा रघुनाथ मंदिर में पहुंचे और इस पर्व को मनाया। दिवाली के एक महीने के बाद देवलांग पर्व को मंगसीर की बगवाल के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि श्री रामचंद्र जी के लंका पर विजय का समाचार यमुना घाटी के लोगों को एक महीने के बाद मिला था और इसी वजह से लोग एक महीने के बाद दिवाली मनाते हैं। विकासनगर के जौनसार इलाके में भी बूढ़ी दिवाली की रौनक दिखाई दी। जौनसार में बूढ़ी दिवाली 5 दिनों तक मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली में प्रसाद के रूप में चावल से बनी चिवड़ा और अखरोट दिए जाते हैं। जौनसार समेत गढ़वाल के रवई और हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। एबीपी गंगा के लिए विकास नगर से विक्रम, बड़कोट से नितिन और टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा का बड़ा आरोप, पुलिस कर्मियों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया गया है। सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। पुलिस कर्मियों को तुरंत हटाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने वहां पुलिस कर्मियों पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया है और निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पुलिस वालों को हटाने की मांग की है। और अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, जरा विस्तार से बताइए क्या पूरा मामला है। देखिए, बिल्कुल, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने ये शिकायत की है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लखनऊ में और ये कहा है कि खासतौर से वहाँ पर जो करहल पुलिस थाना अध्यक्ष है और जो परमहाल एक पुलिस स्टेशन है वहाँ के जो पुलिस कर्मी है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। यानी पुलिस कर्मी जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा है और इसी की शिकायत आज की गई है समाजवादी पार्टी ने की है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से और पूरा डिटेल भी है कि किस किस तरीके से वहाँ पर लोगों को अगर हम कहें तो उनको ये दबाव डाला जा रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में जाएं। तो इसी की शिकायत की गई है और साफ तौर से मांग की गई है कि खासतौर से तकरीबन ये 13 पुलिस कर्मियों के नाम भी दिए हैं जिसमें 6 पुलिस इंस्पेक्टर है, 13 सब इंस्पेक्टर है और इसके अलावा 100 से अधिक पुलिस कांस्टेबल को कहा गया है कि उस जगह से हटा दिया जाए। यानी वो जहां पर तैनात है उन्हें उस जगह से हटाकर कहीं और। ठीक है, चलिए, बिल्कुल अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी से जुड़ी यह बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही माना है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारी बर्खास्त हुए थे और ये बड़ी जानकारी मिल रही है और हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही माना है और कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है और बर्खास्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि बैकडोर एंट्री को लेकर 228 कर्मचारी जो हुए थे बर्खास्त हुए थे और उसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और अब हाईकोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी है। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को हाईकोर्ट ने सही माना है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को निरस्त कर दिया है। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।